मायावती ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने आजमगढ़ उपचुनाव में बीएसपी प्रत्याशी उतारने की बात कही। इसके साथ ही मायावती ने बीजेपी सरकार पर सीधा निशाना साधा। उन्होंने सरकार की नीतियों को अहंकारी बताया। उन्होंने आगे कहा कि अग्निपथ योजना जन विरोधी है और भाजपा और सपा पार्टियां आपस में मिली हुई हैं। जैसा कि आप लोगों को ये विदित है कि वर्तमान में यूपी की आजमगढ़ लोकसभा की सीट पर बाई इलेक्शन हो रहा है। इस बाई इलेक्शन में उपचुनाव में बीएसपी ने भी श्री शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली को चुनाव के मैदान में उतारा है, जो हमारे ये उम्मीदवार यहाँ के स्थानीय निवासी हैं तथा ये बीएसपी से कई बार विधायक भी रहे हैं। इन्होंने कोरोना काल में बाढ़ आदि के समय में भी पीड़ित लोगों की काफी मदद की है। वैसे भी ये अक्सर जरूरतमंद लोगों की वहां काफी मदद करते रहते हैं, और मदद भी केवल इन्होंने यहाँ अकेले अपने खुद के समाज के लोगों की ही नहीं की है, बल्कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर वे मानवता एवं इंसानियत के नाते यहाँ सभी वर्गों व धर्मों के मानने वाले लोगों की अपने सामर्थ्य के हिसाब से हर स्तर पर पूरी पूरी मदद की। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।